थोड़ी जान तो उनको जनवाना है ना, ऐसे मत बोलो। धन्यवाद जी। वो लोग नहीं जानते श्री भगवान सिंह होलकर जी, उनसे निवेदन है कि यहाँ नए शेर की वजह से झूठ बोला। दूसरा, ये 1920 में जो नीच दिखाई है, झूठा बनाया पहले और नीच का काम आया अब ये फिल्म के अंदर। एक को बुलाता था, पेरेंट्स को भी बुलाता था, मैं सीधा ही पूछता था, भाई साहब कौन हूँ? यकीन मानो जो मुझे नहीं जानता है, हमारे समाज में ऐसे भामा साहब बैठे हैं बीच में, हमारे रामकृष्ण जी बैठे हैं गुड़गामा से, और बहुत से लोग बैठे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, सकल से जानता हूँ। तो ऐसे अकेले भी वोट सकते हैं, लेकिन काम ऐसा करो जिसे अकेले बंदे पे भी जोर नहीं पड़े, सब मिलके चंदा इकट्ठे करके इस कार्यवाही को हम आगे बढ़ाएं। तो युवा को आगे नहीं आने देते जी, डरते हैं बुजुर्ग, अभी है उनके अंदर जितनी सेवा मंच बने हुए हैं, अगर उनके सिर्फ समिति के लोग भी आ जाए तो देर तक हमारा समाज बसता है। इस मुद्दे पे हम अपना ही नहीं, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारा आने वाला जो बच्चा पैदा हुआ है, जब वो बड़ा होगा तो वो ये ना कहे कि मैं गडरिया जाति को छुपाना चाहता हूँ, वो ये कहे कि मैं गडरिया हूँ। ऐसा जोश, ऐसी ताकत है आप लोगों में, आप कर सकते हैं। आपके आपके समाज की रानी ने पूरे देशों पे राज किया है, हजारों मंदिर बनवाए हैं, हजारों धर्मशालाएं बनवाई हैं। आप जैसे लोगों ने अंग्रेजों को लताड़ कर इस देश से भगाने का काम किया, तो क्या आप इस डायरेक्टर को भगा नहीं सकते? भगा सकते हैं आप। मेरे पास अलग अलग व्यूज आए, लोगों ने कहा पिक्चर पुरानी हो गई। मैंने फिल्म को उसी वक्त गूगल पे लगाया और देखा तो वो ताजा गाली दे रहा था मुझे, नीच गदरिया उसी वक्त कह रहा था जिस वक्त मैंने उसे खोल के लगाया, जब उसने कहा होगा। लेकिन आज भी उसने वही कहा है जो 1.5 साल पहले किया था। आप अगर इस बात को सुनना चाहते हैं, जब तक उसको हम हटवा नहीं देंगे, जब तक उसे वहां से हटाएंगे नहीं। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो डायरेक्टर को घुटनों पे खड़ा कर कर आपके साथ बघेल संघर्ष करो, बघेल संघर्ष करो, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे चंद्रशेखर बघेल संघर्ष करो। हमें अध्यक्ष बना दिया और हम जो है वो है, आने वाले टाइम में चाहे कोई ये टास आ रहा है चाहे पलवल से जा। साथी के लिए जो अनुसूचित और नीच और गलत शब्द बोले हैं उसके विरोध में हमने यहाँ पर ये सभा बुलाई है। देखिए, एक ऐसी जाति जो सीधी साधी भोली भाली जाति है, जिसका अहिंसक रूप में कभी आज तक कुछ नहीं रहा, ऐसी जाति को जो देवता तुल्य जाति है उसको जो है नीच नीच बोला, उस डायरेक्टर की उसकी राइटर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? और मैं तो ये कहता हूँ कि गदरिया समाज को नहीं, किसी भी समाज को ऐसा शब्द बोलना बिल्कुल गलत है, कहीं कभी नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए, हमारी डिमांड ये है। सर, नाम क्या है आपका? मैं अजय पाल सिंह होलकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आलिया धनगर समाज महासंघ। हम यहाँ आज एकत्रित हुए चंद्रशेखर बघेल जी के आह्वान पर, अपने देवेंद्र जी के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो हमारा मुख्य रूप से यहाँ पे कहना यह है कि हम लोग लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, मल्हार राव होलकर के वंशज हैं, बड़े प्रतापी महापुरुष हमारे हुए हैं। NCR के, UP के, राजस्थान के, सभी लोग यहाँ दिल्ली के इकट्ठे हुए। आप अपनी ओर से यूपी में किस क्या कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि आप यूपी से सांसद के पति रहे हैं, पति हैं, और उस ओर में आप अब इस बात को लेकर क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरा काम करने का स्टाइल थोड़ा अलग है। हमारे भाई चंद्रशेखर जी ने भी, अगर ये जाति शब्दों का, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के बाद ये जो हमारे देश का सेंसर बोर्ड है वो भी उसको देख नहीं पाया, इतने बुद्धिजीवी लोग वहाँ बैठे हैं, जिससे बार बार रिपीट किया है कि नीच गडरिया, उस बात को समझने के लिए सेंसर बोर्ड ने पिक्चर को पास कर दिया गया। और पास होने के बाद वो जब वहाँ चली गई, एक व्यक्ति अगर किसी भी
जाति शोधक शब्दों का प्रयोग कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, उसकी जमानत नहीं होती है। और हमारी तो पूरी कौम को गाली दे दिया है। हम अपनी कौम की बात नहीं करते, हम कहते हैं इस देश के किसी भी नागरिक के साथ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग ना हो, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन होगा। हम कानून की प्रक्रिया में रहकर अपना धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, और ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। ये पूरा गडरिया समाज आज एकजुट होकर इसकी मांग करता है कि वो माफी